अर्की उपमंडल मुख्यालय में उपमंडल स्तर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर की अध्यक्षता में मनाया गया। ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार में निर्देशानुसार रखी गई थीम एंटी ड्रग्स रही। इस दौरान उपमंडल के विभिन्न स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने रैली के माध्यम से नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। तत्पश्चात उपमंडल अधिकारी नागरिक अर्की सभागार में स्रोत व्यक्तियों डॉक्टर संतलाल शर्मा डॉक्टर ताराचंद नेगी BMO अर्की द्वारा उपस्थित बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा इससे दूर रहने व लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया गया। नमस्कार, आज 8 मई 2023 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सब डिवीजन लेवल पर अर्की में आज एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसका थीम जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है से नो टू ड्रग्स, उस थीम पर आयोजित ये रैली ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें अर्की के विभिन्न स्कूलों से बच्चे शरीक हुए थे। हमारे ICDS के कार्यकर्ता थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से और NGOs से उनके मेंबर्स थे। तो ये हमारा जो रैली जो थी ये अर्की चौगान मैदान से चलते हुए BSNL ऑफिस होते हुए न्यू बस स्टैंड, वहाँ से ओल्ड बस स्टैंड और पूरा अर्की बाज़ार होते हुए ये आज चौगान मैदान में अभी समाप्त हुई है। इसी कड़ी में हमारा जो पोस्ट लंच सेशन है अभी वो SDM ऑफिस के कार्यालय हमारा जो सभागार है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे कुछ रिसोर्स पर्सन है, हमारे NGOs के वर्कर्स हैं, वो हमने बुलाए हैं, वो एक मैसेज स्प्रेड कर सके लोगों में, एक मैसेज दे सके कि किस प्रकार से ड्रग्स का जो दुष्प्रभाव है हमारी सोसाइटी में घुसता जा रहा है और क्या क्या इसके जो है वो इल इफ़ेक्ट्स हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअल लेवल पर सोसाइटल लेवल पर जो है वो होंगे। इसी के साथ ही अलग अलग स्कूल्स में पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन और डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे। इन कॉन्टेस्ट के जो विजेता होंगे उन्हें भी SDM ऑफिस में भी सम्मानित किया जाएगा। तो मैं ये मैसेज फिर से रिपीट करना चाहूँगा, से नो टू ड्रग्स, और आशा करता हूँ कि सब लोग जो है इसका अनुसरण करेंगे और प्रशासन का साथ देंगे इस इल इफ़ेक्ट को सोसाइटी से ख़त्म करने के लिए। अर्की से आपका फैसला के लिए नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।